यार पाकिस्तानी इतनी बुरी हार भाई। एक होता है हार, एक होता है बुरा हार, एक होता है हार भी शर्मा दे जिस तरह हारे हो यार तुम आज। यार भाई इतना बुरा हाल यार, इतना बुरा तो यार जिम्बाब्वे नीदरलैंड का भारतीय नहीं करते यार, जितना बुरा हाल यार तुम्हारा करके चले गए भाई। स्टेटमेंट ऐसा दे दो कि हम तोप चलाएंगे भारत में, है तुमसे यार 200 रन बनता नहीं भाई, 50 ओवर तुम खेल नहीं पाते भारत के सामने, ये तोप चलाएंगे भाई। भाई इनसे सही ढंग से यार भारतीय बॉलर्स को खेला नहीं जाता है, डर डर के भारतीय बॉलर्स को खेल रहे हैं। बाबर आजम हो चाहे मोहम्मद रिजवान हो, भाई बाबर आजम तो कुलदीप यादव जिस तरह खेल रहे थे ना भाई, क्या लग रहा था यार कुलदीप वर्सेस बाबर भाई, एकदम डर डर के यार बाबर आजम को फ्रंट फुट पे तो और आ ही नहीं रहे थे, बैक फुटे पे खेल रहे थे कुलदीप यादव को। गुड गुड आई लाइक इट भाई, भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया यार, कहीं का नहीं छोड़ा भाई, मुंह दिखाने लायक तक का नहीं छोड़ा यार। अब आया ना लाइन पे, जिस तरह बेइज्जत कर 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 भारतीय बॉलर्स ने मारा है भाई, क्या मार मारा था। रोहित शर्मा की 86 रन की पारी यार, क्या मार मारा भाई। शाहिन आफरीदी को पहले बॉल ओवर के पहले बॉल में रोहित शर्मा ने चौका, फिर दूसरे बॉल में शुभम गिल ने चौका मारा, दोनों तो खाता ही चौके से खोले यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाहे हरी श्रॉफ को भाई पहले बॉल पे सिक्स से स्वागत किया गया भाई, हसन अली को पहले बॉल पे चौके से स्वागत किया गया, सदाब खान को सिक्स से स्वागत किया गया, तुम्हारे फास्ट बॉलर को आज रोहित शर्मा पी गया एकदम यार। सही बात है भाई, जिस तरह ठोकान भारतीयों ने ठोका है ना भाई, पूरा हैदराबाद बिरयानी का मजा तुम्हारा निकाल दिया है भारतीयों ने भाई। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली, शुभम गिल हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, श्रेयस अय्यर हो, और चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे हार्दिक पांडे हो, भाई किस तरह से स्वागत किया है तुम्हारा भाई है। शाबाश अहमदाबाद में जिस तरह स्वागत किया नहीं है तुम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे भाई, जिस तरह एशिया कप 128 पे ऑल आउट किया, यहाँ पे तो 191 पे ऑल आउट कर गया यार, वो बैटिंग पहले मिला तब भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सोच लो अगर बैटिंग सेकेंड इनिंग बैटिंग रहते तो तुम्हारा क्या हाल होता है यार, भारतीय पूरा एक्सपोज कर देते तुमको भाई, 50-50 रन पे ऑल आउट कर देते यार। भाई तुमसे अच्छा तो जिम्बाब्वे नीदरलैंड खेलता है भाई, वो कम से कम 50 ओवर खेल ले जाता है भारतीयों के सामने भाई, तुम तो यार 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, ऊपर से 200 रन कंप्लीट नहीं कर पाए, तुमसे अच्छा है जिम्बाब्वे नीदरलैंड अफगानिस्तान तुम्हारा भाई है भाई यार, वो कम से कम यार भारत को आंख तो दिखाया यार। सही बात है, 273 रन उसने बनाया, तुमने तो 191 पे ही ऑल आउट हो गया भाई, अफगानिस्तान तो कम से कम भारतीय बॉलर्स को खेला ना यार। बात तो सही है। उसके कप्तान हसमतुल्ला साहिदी ने खेला और ओमर जाई ने खेला, तुम्हारे तो कोई बैट्समैन चला ही नहीं भाई। शाबाश, पक्का दोगला है तू तो। पहला तो 10 ओवर अच्छा खेले, लेकिन 10 ओवर बाद भाई पूरा भारतीय ने एक्सपोज कर दिया तुमको यार, एकदम कहीं का नहीं छोड़ा भाई, जलील कर करके धोया है तुमको। कुछ शर्म करो यार, तुम्हारे बस की बात नहीं भाई भारत से लड़ना, तुम यार भारत के हमेशा बेटे ही रहोगे। स्टेटमेंट ऐसा ऐसा देंगे कि तोप चलाएंगे, इनसे 200 रन बनता है नहीं भाई 50 ओवर के फॉर्मेट में यार, ये तोप चलाएंगे यार। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर भाई, ये जिस तरह खेल रहे थे एकदम टेस्ट खेल रहे थे वनडे क्रिकेट में, और हमारे भारतीय बैट्समैन खेल रहे थे भाई एकदम T20 फॉर्मेट खेल रहे थे भाई, 10 ओवर में यार 90 रन ऐसा कौन मारता है, वो भी पाकिस्तान बॉलर भाई, पूरे दुनिया में हाइप रहता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स का, कि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत तबाही है भाई, इस तरह खा गए ना रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलर्स को भाई, इस तरह खाए कि यार समझे नहीं आता किसी प्लेयर को कि पाकिस्तान के बॉलर्स हैं कि भाई नीदरलैंड और मलेशिया के बॉलर्स हो यार, बहुत बेकार हाल कर दिया भाई पाकिस्तानी बॉलर्स का, चाहे सादाब खान से हो, चाहे शाहिन आफरीदी हो, चाहे हरी श्रॉफ हो, चाहे हसन अली हो भाई, चाहे कोई भी बॉलर हो भाई। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। क्या हाल किया भाई भारतीयों ने यार तुम्हारा यार, एकदम बुरा हाल है यार, इस तरह जलील किया है ना भाई, इस तरह जलील किया, तुम हमेशा हम लोग से तो ऐसे जलील होते ही हो। सही बात है, एशिया कप में भी जलील ही हुए, इस बार भी जलील ही हुए भाई। शाबाश तुम यार, अहमदाबाद दुनिया के सबसे बड़ा ग्राउंड कभी देखे नहीं थे, जली ना तेरी भी जली ना। उसलिए यार भारतीय ने वहां मैच रखा कि मैच देख लोगे, पूरी दुनिया की हर टीम क्रिकेट टीम देख ली लेकिन तुम तो नहीं देखे, तो इसीलिए भारत वहां मैच रख दिया था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 1,30,000 जनसंख्या तो कभी तुम देखे नहीं हो भाई स्टेडियम में, तो इसीलिए तुम्हारे साथ सामने रख दिया गया कि मैच कम से कम वहां पे जीत जाओगे, भारतीयों को आंख दिखा दो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ।
भाई फ्लॉप यार फ्लॉप भाई, इतना बुरा हार यार, इतना बुरा हार तो यार जिम्बाब्वे नीदरलैंड नहीं हारता भाई, जितना बुरा हाल यार तुम्हारा है यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हैदराबाद बिरयानी का पूरा मजा भारतीय बॉलर्स ने निकाल दिया भाई गुजरात में, अहमदाबाद में भाई, अहमदाबाद में बुमराह और हार्दिक का ना घर है यार, घर में धोया भाई तुम लोग को यार। निकल यहां से, निकल। कहीं का नहीं छोरा भाई, जलील कर दिया एकदम, बेइज्जत कर दिया यार, शर्म करो थोड़ा यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। ये बढ़िया था गुरु। भाई पाकिस्तान कहाँ से एक्सपोज होना शुरू हुआ भाई, 155 से 2 विकेट, 55 पे जब तीसरा बाबर आजम का विकेट गिरा ना तो सब प्लेयर सोचे कि हम क्यूटर है भाई, जब बाबर आजम आउट हो गए कप्तान हमारे चले गए तो हम भी लोग चलो धीरे धीरे निकल जाते हैं भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 155 से 2 से भाई 191 पे 10 विकेट यार। इतना बेकार यार, इतना बेकार तो जिम्बाब्वे नीदरलैंड अफगानिस्तान नहीं खेलता भाई, जितना बेकार तुम यहाँ खेले है भारत के बॉलर्स के सामने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भिंडी रोना रोटे हैं कि भारत को हराएंगे भाई, भारत के घर में हराएंगे, जब भारत के ऑस्ट्रेलिया में तुम नहीं हरा पाए, श्रीलंका में नहीं हरा पाए, दुबई में नहीं हरा पाए, तो क्या यार तुम यार भारत को भारत के घर में हराओगे, भारत के सबसे बड़ा ग्राउंड में यार। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। 130,000 जनसंख्या के सामने तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल, कभी ना सोचना भाई भारत को भारत बनाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतना मुंह का मारेगी खोल खोल के पिछवाड़ा का पिछवाड़ा लाल कर देगी भाई, जिस तरह आज ठोकान ठोकी है ना वो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे भाई, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे यार, जिस तरह रोस्ट कर करके मारा है भाई, जिस तरह एक्सपोज कर करके तुमको मारा है यार, कभी तुम भूल ही नहीं पाओगे भाई। भैया जी अब तो न इश्क में न प्यार में भाई, जो मजा है ना पाकिस्तान की हार में यार। डायलॉग तो बहुत फिल्मी मारा है बेरी। ये डायलॉग बहुत मस्त लग रहा है भाई हमारे भारतीयों का यार, क्या मजा है यार आज यार, इतना खुशी का दिन है भाई कि यार मैं 10 दिन तक तो पूरा खुश रहूंगा कि यार पाकिस्तान से मैच जीत गया भारत। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, पहले अब अगला मैच बांग्लादेश से वो हार जाए भाई, बांग्लादेश यार भारत को हरा देता एशिया कप में यार, तो यार तुम यार सोच लो यार, बांग्लादेश पिछले एशिया कप में भाई भारत को हरा दिया, तुम यार भारत को नहीं हरा पाए कभी भी नहीं, 8-0 से हरा गया भारत तुमको। अब बाबर आजम स्टेटमेंट क्या दिए थे, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए, गांड फटे तो फटे नबाबी न घटे, घंटा तोड़ लिए रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये भोसड़ी वाले माता चोद, घंटा कुछ खार पाए हम लोग का। Psych, that's the wrong number. भाई आज तो तुमको एक्सपोज कर दिया भाई भारतीय बॉलर्स ने, चाहे बुमराह ने 2 विकेट लिए, हार्दिक ने 2 विकेट लिए भाई, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, रविंदर जडेजा ने 2 विकेट लिए यार, मोहम्मद सिराज यार तुमसे खेला नहीं क्या भाई, मोहम्मद सिराज को अफगानिस्तान वाले कूट कूट के धनिया बो दिए थे, आज तुम्हारे बैट्समैन भाई मोहम्मद सिराज से यार एकदम डर डर के खेल रहे थे यार, जिस तरह बाबर आजम को आउट किया यार एकदम फ्लैट आउट कर गए भाई, तो हल्का भी बाबर आजम बैट से टच नहीं कर पाए, बाबर आजम हो चाहे अब्दुल्ला शफीक हो भाई, सब बाबा का आशीर्वाद है बच्चा। तुम्हारा पिछला बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मारा, इस बार यार 9-10 रन पे 10 रन पे आउट हो गए मोहम्मद सिराज से यार, डर गया भारतीय बॉलर्स से कि अगर भाई रन मारा तो क्या होगा मेरा यार, बस हवा निकल गई। इमामुल हक भाई कोई मैच में तो ऐसे वो चलते नहीं, लेकिन इस मैच में 35-36 रन बनाए, कम से कम वो भी इज्जत रख लिया तुम्हारा, नहीं तो उतना भी उनसे नहीं बना था, 3-4 रन पे आउट हो जाते, गजब बेइज्जती है। बाबर आजम 50 रन खेले लेकिन उसके बाद सिराज ही ले गए, अब चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है तुम्हारे रीढ़ की हड्डी, वो अगर 50 रन नहीं मारते ना भाई, रविंदर जडेजा के दूसरे बॉल पर वो आउट होने वाले थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, लेकिन यार वो बच गए, अंपायर कॉल था विकेट, नहीं तो तुम्हारे 191 रन भी नहीं बनता भाई, 150 रन पे तुम निपट जाते। हां भाई कैसी लगी आगे स्वाद, तुम्हारे मिडिल ऑर्डर की इतनी पावर नहीं कि तुम भारतीय बॉलर्स को खेल जाओगे, वो भी कुलदीप यादव और रविंदर जडेजा के होते हुए। अब आए ना लाइन पे भाई, तुम यार अहमदाबाद में खेल रहे थे तो इस तरह रो रहे थे भाई, तो अगर चेन्नई के चेपाओ के स्टेडियम धोनी के स्टेडियम में खेलोगे तो यार तुम्हारा तो भिंडी रोना होगा भाई।
तुम तो 20-30 रन पे घिसक जाओगे यार वहां पे। तो रवि अश्विन जब नचाने जब नाच नचाना तुम्हारा शुरू कर देंगे रविचंद्र अश्विन, तो वहां यार तुम यार एकदम यार रोते रोते कलेजा चीर लोगे अपना यार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारे भारतीय प्लेयरों ने भाई यार दिल जीत लिया, सही बता रहे हैं भाई। भारतीयों ने यार पाकिस्तान की एकदम नींद उड़ा दी भाई, चाहे वो पाकिस्तान की प्लेयर की हो पूरे पाकिस्तान की, चाहे किसी भी चेयरमैन की, जिस तरह आउट किया है ना भाई। जकर हसरा बोल रहे हैं कि हम भारत से जीतेंगे, रमेश राजा भारत से जीतेंगे भाई। इस तरह तुम जीते हो यार 191 रन पे ऑल आउट भाई। ये वनडे टीम कैसे जानते हो भाई, जिम्बाब्वे नेदरलैंड नेपाल को हरा के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भारत से कोई पावर ही नहीं है कि जीत जाए भाई, ये न्यूजीलैंड से जीत जाए। न्यूजीलैंड तो भिगो भिगो के इनको मारती है यार। मार चोक दिए भैया जी अब तो। जिम्बाब्वे को क्या हरा गए, नेदरलैंड को क्या हरा गए, नेपाल को क्या हरा गए, ये तोप समझते के वनडे के नंबर वन टीम है साले चूतिया कहीं के। जिनसे ढंग से 50 ओवर खड़ा नहीं हुआ जाता है, ये यार इंडिया को हराएंगे भाई, भारत को, भारत के घर में हराएंगे। गांड फटे तो फटे, नबाबी न घटे। रोहित शर्मा की पारी की बात करते तो 6 चौके 6 छक्के मार के यार हरीश रॉफ साइंस अफरीदी के छक्के छुड़ा दिए भाई, पाकिस्तानियों के पूरे छक्के छुड़ा दिया, चाहे वहां जनसंख्या में हो चाहे यहाँ 11-12 लोग आए थे उसमें भी हो भाई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी भाई। BCCI या वीजा भी किस लिए दिया कि कम से कम 60-70 पत्रकार आए थे, तो वो भी देख लेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह हमारे इंडियंस एक्सपोज करते हैं भाई। एकदम बुरा एक्सपोज कर दिया यार, कहीं का नहीं छोड़ा भाई, इज्जत ले ली उनकी यार। जो थोड़ी मोड़ी इज्जत थी जिम्बाब्वे नेदरलैंड और नेपाल अफगानिस्तान से बची हुई थी, उससे भी यार इज्जत ले ली भाई, उससे भी बेकार जलील कर दिया भाई। जिम्बाब्वे नेदरलैंड अफगानिस्तान को जलील करते हैं लेकिन प्यार से जलील करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी को एकदम बेकार जलील कर दिए भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या जलील किए हैं भाई, क्या यार, क्या मस्त आज भारतीयों ने खेला है, दिल जीत गया है, जैसे लगा कि यार आज वर्ल्ड कप भारत जीत गया भाई। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ 8-0 से हार यार, 8-0 से भाई। जहाँ अजरुद्दीन मोहम्मद अजरुद्दीन ने 1992 में हराया, 96 में हराया, 1999 में हराया, 2003 में सौरभ गांगुली ने हराया, 2007 में सौरभ गांगुली ने हराया, 2011 में MS धोनी ने हराया, 2015 में भाई MS धोनी ने हराया, 2019 में विराट कोहली ने हराया, 2023 में यार रोहित शर्मा ने हराया भाई। रिकॉर्ड यार बनता है टूटने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए रिकॉर्ड बनता है भाई कायम रखने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, रिकॉर्ड वो चलता रहता है भाई, परंपरा प्रतिष्ठा प्रशासन है वो रिकॉर्ड। सही बात है, आगे भी चलता ही रहेगा भाई। जिस तरह तुम सोचते हो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं भाई, पिछवाड़ा तुम्हारा लाल हो जाएगा लेकिन वो नहीं टूट पाएगा। स्टार स्पोर्ट पे एक ऐड आता है, मौका मौका हम दिखा देंगे, ओ यार मौका हम लोगों ने दिखा दिया भाई, पूरा एक्सपोज कर डाला भारत ने पाकिस्तान को भाई, पूरा यार कहीं का नहीं छोड़ा, जलील कर करके मारा भाई। भारतीय बॉलर्स यार क्या बॉलर है भाई, खतरनाक बॉलर यार। सब कहते हैं पाकिस्तान की बॉलर नंबर वन बॉलर, लेकिन भारत के बॉलर्स के सामने भाई कोई दुनिया की कोई बैट्समैन नहीं टिक पाते भाई, वो भी भारतीय पिच पे। सही बात है भाई, कोई दुनिया के पिच पे तो टिक नहीं पाता भारतीय के बॉलर्स के, तो भारत के पिच पे का खाक टिक पाएंगे। बात तो सही है। छक्के छुरा दिए भाई रोहित शर्मा से लेके बुमराह में यार, छक्के छुरा दिए तुम्हारे भाई, क्या धोया है भाई, इतना बुरा हाल यार मैं सोच नहीं सकता भाई, जितना बुरा हाल यार तुम्हारा यार भारतीयों ने कर दिया यार। म्यूजिक, तुम अच्छा हुआ भाई भारत ने फैंस अलाउड नहीं किया, अगर भारत फैंस अलाउड करते तो पाकिस्तानियों को धोते, एक तो भारत ने धोया है भी, ऊपर से पाकिस्तान की फैंस भी धोते भाई, तुमको यार रहने नहीं देते भारत में, जिस तरह हाल आज तुम्हारा किए हैं हम लोग यार। सही बात है भाई, एकदम से यार वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए यार। सही, हम लोग मोमिन साकिब को बहुत मिस करें भाई, पाकिस्तान की ओवर एक्टिंग की दुकान मोमिन साकिब अगर आज होते ना भाई, उनको जलील करने में और मजा आता यार। सही बात है, एकदम इन्होंने
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई इंडिया और पाकिस्तान की भाई जंग की लहराई है वो सोशल मीडिया पे। भाई सोशल मीडिया पे तोप हो जाते हैं, अब मैं ग्राउंड पे आता तो एकदम तोप से भी बेकार हो जाते हैं भाई। तो 1826 का तोप पड़ा होता है ना उस तरह हो जाते हैं, इनसे इनके बैट रन ही नहीं निकलता भारत के बॉलर्स के सामने। एक्सपोज कर देते हैं यार भारतीय बॉलर्स है इनको यार, कहीं का नहीं छोड़ता है, नाक काट देते हैं यार भाई इनका यार, पूरा यार बेइज्जत कर करके मारते हैं यार। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बात है विराट और शुभम गिल की आउट की, तो भाई हमेशा विराट और शुभम गिल तो रन नहीं मारेंगे भाई, जहां मैटर बड़े होते वहां ना विराट भैया खड़े होते हैं भाई, जहां मैटर बड़े तो वहां ना शुभम गिल रन मारते हैं। यहां तो यार एकदम मैटर छोटा था, तो कभी श्रेयस अय्यर केएल राहुल को भी मौका दो यार, हमेशा विराट और केएल राहुल, विराट और शुभम गिल ही मारेंगे तो कैसा फीलिंग होगा भाई, कि हमेशा विराट और शुभम गिल यार अपने बेटे को पेलते हैं, दूसरे को भी पेलने दो। तो दूसरा रोहित शर्मा भी पेल गया आज 86 रन उन्होंने मारा भाई, सेंचुरी नहीं मारा ये कहो, तो सेंचुरी भी वो मार देते भाई, दो छक्के की और बात थी। बात तो सही है। क्या पुल शॉट मारा भाई पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने भाई, हरीश रौफ, साइंस अफरीदी, चाहे हसन अली, सबको यार बराबर रख रख के दिया भाई, 8-8 रन की एवरेज से पीटा वनडे क्रिकेट में। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है भाई। हर मैच में तुम जलील हो जाते हो हम लोग से, हर मैच में जलील हो जाते हो भाई। क्या मैच खेलते हैं हम लोग यार, क्या मैच खेलते हैं भाई, भारतीय टीम यार क्या खतरनाक टीम है भाई। सही बात है भाई, जो मजा आज भारतीय क्रिकेट ने हम लोग को दिया है ना 140 करोड़ जनसंख्या के साथ, वो मजा यार 10-15 दिन एकदम कायम रहेगा यार। क्या मजा दिया है भाई, बहुत मजा आया यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई, जितना मजा यार गर्लफ्रेंड को ओए रूम में ले जाने में नहीं आता ना यार, उतना मजा भाई पाकिस्तान को हराने में आता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, वो भी यार अपने होम ग्राउंड पे यार, दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड पे अहमदाबाद में यार, जहाँ पे मोटा भाई भी सपोर्ट करना है, अमिताभ बच्चन आए भाई, रजनीकांत आए, ऊपर से पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन आए, उनके सामने पीसीबी को हराया भाई। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। जय शाह जी आए, बहुत बड़े बड़े एक्टर आए भाई, बहुत बड़े बड़े यार, शिखर धवन तक के आए भाई, वो टीम को सपोर्ट करने आए यार। आई लव यू इंडिया, लव यू भारत भाई, जिस तरह यार आज पारी खेले भाई, अगले 7 मैच बचे 7 मैच में उसी तरह पारी के बस खेल जाना, पक्का इस बार वर्ल्ड कप अपना है भाई, करोड़ों भारतीयों का सपना वर्ल्ड कप जीतना। सही बात है, पाकिस्तान की रख रख की भारतीय देते हैं भाई, हर मैच में देते हैं भाई, कंपटीशन नहीं इनके साथ है, ये हम लोग से झूठ मूठ का कंपटीशन करते हैं, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और अफगानिस्तान से कंपटीशन करें भाई, हम लोग से कंपटीशन करने की इनकी ज़रूरत नहीं है, इनका कोई मजाल नहीं कि हम लोग से कंपटीशन करें, एकदम बुरा हार जाते हैं भाई, हर मैच में हार जाते हैं। अगर इनसे यार वनडे सीरीज कराया जाए तो यार ये वनडे सीरीज में भाई 5-0 से हार जाएंगे। भाई ये लोग वनडे में भी टेस्ट खेल रहे हैं, हमारे बैट्समैन भाई वही पिच पर वनडे में भाई T20 खेल के जा रहे हैं, इंटेंट देखा हमारे भारतीय बैट्समैन का भाई, भारतीय बॉलर्स का यार भाई, 20 ओवर वो मैच खत्म करना देना चाहते थे, अगर शुभम गिल हो जाता ना तो शुभम गिल और रोहित शर्मा रहता ना तो 20 ओवर में 190 रन आराम से बन जाता, मजा आया। लेकिन खैर शुभम गिल को तो साइंस अफरीदी ने कट पे आउट किया, वो भी आज फुल फॉर्म में आए थे भाई, पूरा मारने की मूड में भाई, पहले बॉल से लेके हर बॉल पे चौके मार रहे थे यार, खाली कट ही कर रहे थे। रोहित शर्मा को तो जानते हो कि जिस तरह वो परफॉर्म किए हैं भाई, क्या गजब परफॉर्म किए भाई, जहां से शुरुआत किया था 130 रन से अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर वही पानी यहां से दोहराने लगे यार, 130 रन यहां पे भी खेल जाते, लेकिन खैर रन उतना बना ही नहीं था कि 130 रन बनाते भाई। सही बात है, फ्रंट तो यार 190 पे ऑल आउट हो गए थे पाकिस्तान। भारतीय बैट्समैन और भारतीय बॉलर्स भाई दिल जीत लिया आज यार, आज से भाई दुगनी इज्जत है भारतीयों के लिए हो गई भाई, भारतीय फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए भाई दुगना इज्जत हम लोग के लिए हो गया यार, जिस तरह 140 करोड़ की इज्जत की इज्जत बचा लेते हो हमेशा भाई, क्या गजब की पारी खेलते हैं यार, बहुत अच्छा लगा यार, इंटेंट फुल पारी खेलते हैं भाई, इम्पैक्ट एकदम लगा के खेले तो कॉन्स्टिट्यूएंट हमेशा रहते हैं यार भाई, झूठ मूठ का ही पाकिस्तान से प्रेशर लेते, पाकिस्तान तो हमेशा जलील होता ही होता है। खैर दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए क्या इस बार वाला या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आपको कैसा लगा दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों।